हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए वर्गोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ सोर्ड्स एंड विस्डम। और देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज की बात करता है, जहां पे देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि ना तो आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, स्टक एनर्जी सबके लिए डिफर कर सकती है और सबके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं, लेकिन कहीं देखिए ये कार्ड कहता है कि आप देख के चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, आप सुन के बहुत सारी चीजों को अनसुना कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है हम अपफ्रंट होके चीजों को डील करेंगे तो शायद हम और परेशान होंगे, और इसीलिए हम उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम ऐसा करते हैं, हम टेम्पररी तो एक गेन लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बैक सीट पे यही इश्यूज, यही मसले कहीं एक्युमुलेट होते रहते हैं और एक दिन ये इतने बड़े हो जाते हैं कि हम चाह के भी इनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और आप नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप टू माइंड्स में हैं, या फिर कोई भी और रीजन हो सकता है। तो देखिए, जो भी हो, मैं आपको यही कहूंगी वर्गोस कि आप अपफ्रंट होके चीजों को डील करें, वो डिसीजन लें, वो चॉइस लें। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी चीज को लेके टू माइंड्स में रहते हैं तब हम बहुत परेशान होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जब तक हम वो डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक हमारा माइंड बहुत परेशान होता है। और भले ही कितना ही डिफिकल्ट डिसीजन हो या फिर भले ही ना ही क्यों ना हो, जब हम एक तरफ हो जाते हैं तो एक सुकून, एक पीस हम अपने लिए लेकर आते हैं। और इसी चीज का ख्याल आप इस वीक जरूर रखें, कहीं यू नो डिसीजन चॉइस लेने से बियॉन्ड द पॉइंट आप ना घबराएं या फिर उस चीज को आप ना अवॉइड करें। और देखिए, डीपर लेवल के लिए विजडम का कार्ड भी कहीं आपको यही एक गाइडेंस भी दे रहा है कि जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत वाइजली चीजों को डील करना चाह रहे हैं और इसीलिए कहीं आप चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए कहीं यू नो आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, विजडम से चीजों को डील करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है, कोई चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमें परेशान करती है। और इसी तरीके से आप समझदारी से काम लें, लेकिन इतना भी समझदार आप ना हो कि आप यू नो फिर उस सिचुएशन में स्टक हो जाएं और बाद में आप बहुत परेशान हो। तो देखिए, इन चीजों का आप इस वीक जरूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रुथ के कार्ड्स हैं। और देखिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चैलेंजेस की बात करता है, इश्यूज की बात करता है, लेकिन ये कार्ड साथ ही साथ सक्सेस और विक्ट्री की भी बात करता है। तो नटशेल में ये कार्ड कहता है, जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं या फिर जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं अगर आप विल पावर रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी इन चैलेंजेस से, इन इश्यूज से घबराएंगे तो फिर आप उस चीज को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो नटशेल में देखिए, आप बहुत ही करेजियसली हर चीज को डील करें, बिल्कुल भी आप घबराएं ना।
और अगर आप फिर से मैं कहूँगी बोल्डली हर चीज़ को फेस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल अपने मकसद को भी अचीव कर पाएंगे। और डीपर लेवल के लिए ट्रुथ का कार्ड कहता है या तो किसी सच से आप वाकिफ हो रहे हैं या फिर कोई सच आपको पता लग रहा है अपने पर्सनल फ्रंट में। और देखिए दूसरी बात ट्रुथ का कार्ड कहता है कि आप जो भी करें आप सच से वाकिफ होके करें, क्योंकि कितनी बारी होता है जैसे कि हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को फेस करेंगे तो हम हर्ट होंगे और इस प्रोसेस में कहीं हम और ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। कहीं देखिए सरफेस लेवल पे एक हैप्पीनेस या फिर टेम्प्रेरी एक जॉय हम ले लेते हैं या फिर टेम्प्रेरी एक जॉय हम महसूस कर पाते हैं लेकिन बैक एंड पे एक परेशानी बनी रहती है। तो फिर से मैं कहूँगी क्लैरिटी से हर चीज़ को डील करें। इनफैक्ट देखिए डीपर लेवल के लिए विजडम और ट्रुथ के कार्ड कहीं समझदारी से अगेन चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, क्लैरिटी लाने की बात करते हैं और सच के लिए एक एक्सेप्टेंस भी लाने की बात करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि हर चीज़ को बहुत ही लविंगली बहुत ही कंपैशनेटली आप डील करें। और देखिए क्या होता है ना कि लोगों को तो हम लव कर लेते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम खुद के लिए उतना लव अफेक्शन नहीं रख पाते हैं या फिर हम खुद को इग्नोर करते हैं। और मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है जितना इम्पॉर्टेंट दूसरों को लव करना होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव भी होता है। तो इस चीज़ में भी एक बैलेंस इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।